जय काल भैरव जय घोरा। मैं तांत्रिक दैत्य सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। यह वीडियो इनके लिए है, यह वीडियो सिर्फ साधकों के लिए, जो लोग साधना करना चाहते हैं या तांत्रिक दैत्य से कुछ सीखना चाहते हैं। सीखने का क्या अर्थ है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। हर एक व्यक्ति को फ़ोन पर समझाना संभव नहीं है, इसलिए हमने यह वीडियो बनाई है। यह वीडियो केवल और केवल साधकों के लिए है। आखिर कौन लोग हमसे सीख सकते हैं, हमसे सीखने के क्या नियम हैं? बहुत सारे लोग हमसे सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग साधना करना चाहते हैं, अर्थात बहुत सारे लोग साधक हैं जो एक लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी साधना नहीं की है, जो पहली बार साधना करना चाहते हैं और वो तांत्रिक दैत्य को अपना गुरु धारण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गुरुवर के सानिध्य में रहकर साधना करें। पहली श्रेणी हो गई ये। दूसरी श्रेणी हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो साधना के साथ साथ तांत्रिक क्रिया सीखना चाहते हैं। साधना और तांत्रिक क्रिया में बहुत फर्क है। काला जादू, सिफिलिस, बहुत सारी विद्याएं, कई देशों में अलग अलग प्रकार की तांत्रिक विद्याएं होती हैं। दैत्य सरकार सब में निपुण है। कैसे ये विद्याएं की जाती हैं, कैसे काला जादू किया जाता है, पुतला क्रिया क्या होती है, नक्श की क्रिया क्या होती है जो सिफिलिस में प्रयोग की जाती है, जैसे कि बहुत सारी तस्वीरें तुम देख ही रहे होंगे, साधनाएं कैसे की जाती हैं, साधना करने का क्या नियम है। इस ग्रुप में जो भी लोग साधक हैं या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या काला जादू सीखना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। सबसे पहला नियम है, उस व्यक्ति को, तांत्रिक दैत्य को अपना गुरु धारण करना पड़ेगा। कैसे वो व्यक्ति हमें गुरु धारण कर सकता है? सबसे पहले उसे हमें, अर्थात हाथ में जल लेकर उसे ग्रहण करना है, आकाश की तरफ देखकर यह कहना है, मैं गुरु तांत्रिक दैत्य को अपना गुरु धारण करता हूँ और दैत्य सरकार की सत्ता मेरे ऊपर लागू हो। ओम दैत्याय नमः। मात्र इतने शब्द कह देने से उस व्यक्ति के ऊपर दैत्य सरकार की सत्ता लागू हो जाती है और तांत्रिक दैत्य उसके गुरु हो जाते हैं। पहली चीज़ तो हो गई ये। उसके बाद क्या करना है, वो व्यक्ति, हमारी जो सुविधा है, हम जितने भी हमारे साधक हैं, आज के समय में हमारे साधकों की तादाद लगभग 7-7.5 हज़ार की हो गई है। 7,000 से 7,500 की संख्या मान के चलो जो हमारे साधकों की संख्या आज के समय में है, जो अभी भी सीख रहे हैं। लगातार साधक हमसे जुड़ते रहते हैं और एक बार जो व्यक्ति जुड़ जाता है, साल भर के लिए वो व्यक्ति हमसे जुड़ा रहता है, कुछ लोग वर्षों के लिए जुड़े रहते हैं। लेकिन हमने एक सुविधा सबके लिए रखी है, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास साधना करने आता है, साधना सीखने आता है, उसका क्या नियम है, हम हर व्यक्ति को एक वर्ष के लिए सिखाते हैं। यानी कि अगर तुम एक वर्ष से ज़्यादा भी सीखना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, परंतु एक वर्ष का हमने शुल्क रखा है 5100। ये शुल्क किस लिए लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? जितने भी साधक हैं उन्हें सबसे पहले अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी जाति गोत्र क्षेत्र का नाम, अपनी एक फ़ोटो भेजनी पड़ती है। यदि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है तो वह व्यक्ति अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना एक फ़ोटो और जिस क्षेत्र से वो है, शहर गांव से, उस क्षेत्र का नाम भेज सकता है। उसके बाद उसे क्या करना होता है, व्हाट्सएप पर ये भेजने के बाद 5100 का शुल्क उसे हमारे इस गूगल पे के नंबर पे भेजना पड़ता है, जो 8126494814, जो हमेशा मेरा फ़ोन जिस पे व्हाट्सएप होता है वही नंबर गूगल पे का है, उस पे महाकाल से भी लिखा आता है, उस नंबर पर उस व्यक्ति को 5100 का शुल्क भेजना पड़ता है। यह शुल्क भेजने के बाद उसे उस शुल्क का स्क्रीनशॉट भी हमें व्हाट्सएप पर भेजना पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति 5100 का शुल्क और अपनी जानकारी भेजता है, तत्काल प्रभाव से उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्रों के साधक जुड़े हुए हैं, जहां पर हम सभी को ऑनलाइन अर्थात व्हाट्सएप के माध्यम से सिखाते हैं। ये कैसे सिखाया जाता है, यानी कि यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, परंतु कुछ खास वीडियो जो प्राइवेट होती हैं वो सिर्फ हमारे साधक ही देख पाते हैं। यानी कि यूट्यूब के ऊपर भी हमारे साधक ही उस वीडियो को देख पाते हैं, क्योंकि उस वीडियो का लिंक सिर्फ हम ग्रुप में डालते हैं और वो पूरी वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि अगर अप्सरा साधना है तो उसे कैसे करना है, जिसके अंदर हमारा एक शिष्य, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, प्रारंभ से अंत तक, बिल्कुल हर चीज़ को समझाता है।
जैसे कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस प्रकार मंत्र पढ़ने, किस प्रकार अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना है और कैसे साधना होती है। ये सारे नियम वह करके दिखाता है और वीडियो के अंदर वो करके भी दिखाता है, कैसे बैठना है ये भी बताता है, एक एक चीज़ समझाता है और नीचे शुद्ध हिंदी भाषा में मंत्र लिखे भी रहते हैं। ठीक है, यह वीडियो केवल वो लोग देख पाते हैं जो साधक हैं, यानी कि जिन्होंने शुल्क दिया है। शुल्क क्यों जरूरी है? साधनाएं जब हम सबको कराते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर बैठे साधनाएं करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकता। कालचक्र भी हम सबसे पहले कालचक्र जागृत कराते हैं जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसे अन्य भाषाओं में 3rd eye खोलना भी कहते हैं। उसके अंदर मात्र 1-1.5 घंटा लगता है, कुछ लोगों को 1 दिन लग सकता है, कुछ को 2 से 3 दिन, अत्यधिक 1 सप्ताह से कम समय में सभी का कालचक्र जागृत हो जाता है, जिसे दूसरी भाषा के अंदर 3री आँख खोलना भी कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले कालचक्र जागृत कराते हैं। इसके लिए जो स्पेशल वीडियो होती है, जो सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए है, जो YouTube पे अपलोड होती है, जिसे सिर्फ साधक देख पाते हैं जिन लोगों ने शुल्क दिया है। शुल्क देना क्यों जरूरी है? जो भी लोग शुल्क देते हैं उनके शुल्क से उन्हें सुविधा मिलती है और दैत्य सरकार के जो भी नियम हैं, जो भी हम चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि हर माह, यानी कि अब हमने एक ऐसा नियम बना दिया है जिसके अंदर हम हर माह 300-400 व्यक्तियों को बुला रहे हैं, यानी कि 300-400 साधकों को बुलाते हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति ने आज हमें शुल्क भेजा, अपनी जानकारी भेजी, तो 1 या 2 सप्ताह हम उससे व्हाट्सएप के माध्यम से उसे सब चीज़ समझा देंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है जिसके अंदर एक साधक दूसरे साधक की मदद करता है और उस ग्रुप के अंदर हमारा कोई तांत्रिक शिष्य होता है जो सब पर नज़र रखता है, सबके प्रश्नों के उत्तर देता है। वहाँ 24 घंटे कोई ना कोई जिम्मेदार मिलेगा, आधी रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, उसका उत्तर तुम्हें तत्काल प्रभाव से वहाँ मिलता है। किसी व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती, ये सुविधा है। उस ग्रुप से जुड़ने का फायदा क्या है? उस ग्रुप के अंदर अलग अलग विद्या, अलग अलग तांत्रिक विद्या जो है डलती रहती है। जैसे कि हमारे बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसका अनुभव तुम सोच भी नहीं सकते। हम YouTube पर वो वीडियो नहीं डालते हैं, वो सिर्फ ग्रुप के अंदर डलेगा उसका लिंक और वो वीडियो तुम देख पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा जिसके पास उसका लिंक जाएगा। तो 5100 देने के बाद जिन लोगों को हर माह हम बुलाते हैं, तो अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, ना चाहो तो नहीं आ सकते। आने के लिए तुम्हें हरिद्वार या ऋषिकेश आसपास उत्तराखंड में बुलाया जाएगा, जहाँ पर हमारी बड़ी कोई तांत्रिक क्रिया होती है। उस तांत्रिक क्रिया में हम अपने नए साधकों को बुलाते हैं ताकि उन्हें आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकें, ताकि उन्हें पता चले मेहनत करने के बाद उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। और इसमें सिर्फ वो अपने आने और जाने का किराया लाएँ, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति ने 5100 का शुल्क दे दिया, उसके बाद दोबारा उस व्यक्ति को 1 फूटी कौड़ी नहीं देनी है। उसी 5100 में उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हम करके देते हैं। और इसके बाद ये नहीं है सिर्फ वो 1 महीने आ सकता, अगले महीने अगर वो चाहे तो आ सकता है, ना चाहे तो उसकी इच्छा है। और ऑनलाइन 1 वर्ष तक वह सीख सकता है, उसे सिखाया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की साधना चाहता है तो दैत्य सरकार किसी को ऐसे मंत्र नहीं देती। दैत्य सरकार सिर्फ उन लोगों को मंत्र देती है जो लोग तांत्रिक दैत्यों को अपना गुरु धारण करते हैं और दैत्य संप्रदाय से जुड़ते हैं। दैत्य संप्रदाय से जुड़ने के लिए उस व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए सदस्यता लेनी पड़ती है, जिसका शुल्क 5100 है। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनी एक फ़ोटो और जिस शहर या गांव से, शहर या गांव का पता, और वो जो पैसे भेजता है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना पड़ता है। भेजने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे साधक उसे ग्रुप में जोड़ देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के पश्चात उस व्यक्ति को हर प्रकार की विद्याएँ ऑनलाइन सिखाई जाती हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक इतने खुश हैं आज के समय में, वो कहते हैं कि हमें आने की आवश्यकता ही नहीं गुरुवर, क्योंकि व्हाट्सएप से और जो आप सिर्फ प्राइवेट जो लाइव होता है, जिसे सिर्फ हमारे वॉइस से देख सकते हैं, जो हमारे साधक हैं जिन्होंने शुल्क दे रखा है, तो वो लोग ही लाइव क्रियाएं भी देख पाते हैं और जो वीडियो उनके लिए डलती है, जिन वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं जिसका उत्तर आज का विज्ञान नहीं दे सकता, सिर्फ वो उन्हीं के लिए है। बाकी सिर्फ उन्हीं के लिए हम कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिखाना है।
अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। आशा करते हैं हमने जानकारी दे दी। आदेश महाकाल।